डियर व्यूअर्स, पिछले क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एंड टर्म पे हम लोग डिस्कस किए थे, यानी कि सम ऑफ एंड टर्म का फॉर्मूला प्रूव किए थे। और अब जो है उससे संबंधित सवाल पे विचार कर रहे हैं। तो सवाल देखिए यहाँ पे क्या, फाइंड 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + so on up to एन टर्म्स, यानी कि यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम दिया हुआ है, इसको सम करना है एन टर्म तक। तो यह जो सीक्वेंस दिया हुआ है, यह देखने ही से लगा यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि टू कंजुकेटिव टर्म्स का जो रेशियो है कहीं भी इससे लेते हैं तो वह 1/2 आता है। और फर्स्ट टर्म जो है इसमें क्या है बनाते हैं, अब हेयर फर्स्ट टर्म जो है इसमें 1 है, जिसको कि हम ए भी लिख सकते हैं। और टू कंजुकेटिव टर्म्स का जो रेशियो है कहीं से भी अगर लेते हैं तो आर इजकल टू 1/2 आता है। और पिछले क्लास में हम प्रूफ कर चुके हैं सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला, वी नो दैट सम ऑफ एन टर्म ए इंटू 1 - r^n / 1 - r, यह जो है सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला है जो कि पिछले क्लास में हम प्रूफ कर चुके हैं। एक बार यहाँ पे दे देते हैं, सम ऑफ एन टर्म का जो फार्मूला 3 केस में होता है। केस 1, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, तो सम ऑफ एन टर्म होगा ए इंटू, अगर ग्रेटर देन होगा तो r - 1 / n - 1 / r - 1। केस 2, व्हेन r इज लेस देन 1, अगर r इज लेस देन 1 होगा तो सम ऑफ एन टर्म का जो फार्मूला होगा वह होगा 1 - r/n / 1 - r। सबसे लास्ट केस, केस 3, व्हेन r इजकल टू 1, r इजकल टू 1 भी अगर होता है तो भी वह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, क्योंकि वहाँ अगर कॉमन रेशियो 1 के बराबर होता है तो भी टू कंजुकेटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है वह फिक्स होता है कहीं से भी। तो क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म ए इंटू एन होगा। यह 3 केस है। फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। इस केस में जो है r लेस देन क्या है, 1 है, 1/2 है, तो इस केस में जो है इसको हम फॉलो करेंगे। देयरफॉर एस एन इजकल टू 1 × 1 - 1/2 / n / 1 - 1/2। और 1 - 1/2 / n / एलसीएम जो है इसका 2 होगा, तो 2 - 1/2 जो कि हो जाएगा 2 × 1 - 1/2 / n। यही जो है इसका सम ऑफ एन टर्म का रिजल्ट होगा, जो कि आंसर हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन हो। और हम देख रहे हैं कि नॉन सब्सक्राइबर वाला मेरा व्यूअर्स ज़्यादा है, सब्सक्राइबर वाला व्यूअर्स कम है, यानी कि 40+ जो है मेरा सब्सक्राइबर जो है व्यू है, और 40+ जो है परसेंटेज जो है वह नॉन सब्सक्राइबर वाला है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।